लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भैया जी नहीं आए? गाड़ी में वो लोग आए क्या? बस पहुंचते ही होंगे। चाय मिलेगी ना? हाँ दीदी। नंदू तीन पे चल। पानी का तरफ बाप देगा। अरे ला रहा हूँ मैं, ला रहा हूँ, ये लो पानी। बेताला नया, एक दो दिन में ठीक जाएगा। भैया चाय भेजी? बस भिजवा रहा हूँ, चल नंदू। आप चाय पी ले, तब तक कहीं पे रुकना। कहाँ देख रहा है? घोड़ा है घोड़ा। देखा है कभी? तो बड़े बड़े शूटरों में देखा ना भाई। अंसारी, जब सौचा ने इस छोकरे को साथ लिया ना, तो उसका उम्र नहीं, उसका जिगर देखा। ना नंदू, खेल। ये लड़का एक दिन राज करेगा, तो देखना। हाँ इधर आ। शाबाश। इगड़े इगड़े शेखर, तू भी आ रही। एक दूसरे का ध्यान रखना, आपस में लफड़ा नहीं मांगता है, समझा? संभालना एक दूसरे को बराबर। Thank you.
कह रहे हो साहब जी, तुझे आया तो क्या आजकल पुलिस से बड़ा भाई हो गया क्या? ये भी पकड़। हाँ साहब। क्या हुआ? मेहनत की कमाई सुगंधित होती है, भले वो मेहनत किसी और की क्यों ना हो। क्या बात है, चल निकलना अभी। हाँ। अरे सुन। हाँ? वो बैंक में जमा मत करना समझे। हाँ, मालूम मालूम। चल। और एक राउंड हो सकता है। अरे शिंदे। हाँ साहब। क्या संग? वो साहब। ये लाइट का कायदा लगा। लाइट को क्या हो रहा है? कायदा लगा। अरे बैटरी क्यों नहीं है? जा भाग जा, तावड़े मामा ना तुमको छोड़ेगा ना मुझे। जा जा। तू क्यों नहीं गया रे? हाँ हाँ। वो नहीं आएगा। क्यों? मैंने उसे मार दिया। मार दिया? मैटनी शो में फिल्म देख रहा है। तू कहाँ रहेगा? बाजू की गली में, लाल रंग की फोर्ड में। ओके। चल बिजट। जाड़ो जाड़। चलो बिजट बिजटो। सुनिए, मैं वो ले लूँ? हाँ ठीक है। सर।
सारे बोल रहा हूँ, चुपचाप ऑर्डर पास कर दे। वो तेरी 2 साल की बेटी है ना, दूसरा साल नहीं देते। समझा? सर काट के पार्सल कर दूंगा, समझा क्या? चल फोन रखता है। अरे भाई क्या हुआ? सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, इस बार आपकी पार्टी कितने वोटों से जीतेगी? इस बार हमारी पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई। चलो चलो जल्दी आओ हरी अप। मात्र साहब, ओपिनियन पोल बताते हैं कि इस बार भी आपका चांस नहीं है। चांसेस नहीं है तो पैदा करो जोशी। इस बार हर हाल में मुझे सीएम की गद्दी चाहिए। कहाँ है रफीक? वो आ रहा है। सॉरी जोशी साहब, वो बैठो। थैंक यू। कहिए अन्ना साहब, क्या सेवा करूं? रफीक, मुझे एक शूटर चाहिए। सर, आम आदमी को मारना है तो 10,000 रुपए का एक देसी कट्टा, काम खत्म। हाँ, अगर कोई खास आदमी है तो। बहुत खास है। सोच लीजिए मात्र साहब, सीएम को उड़ाया तो सहानुभूति में उनकी पत्नी सीएम बन जाएगी। मैं सीएम की नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। ओह माफ कीजिए, आपकी पत्नी को गुजरे 3 साल हो चुके हैं। आज मुझे पता चला कि पिछली बार हम इलेक्शंस में क्यों हार गए थे। रफीक जी, हमारे इलेक्शन की कैंपेन 10 तारीख को शुरू होगी। 10 तारीख को हजारों लोग अन्ना महात्रे जिंदाबाद, अन्ना महात्रे जिंदाबाद के नारे लगा रहे होंगे, और उन्हीं नारों में गूंजेगी एक आवाज, उस गोली की, जो उन लोगों के प्रिय नेता अन्ना महात्रे पर चलाई जाएगी। मगर लोगों की दुआएं उसे बचा लेंगी, और उनकी सहानुभूति अन्ना मात्रे को सीएम बना देगी। अन्ना साहब, काम हो जाएगा, मगर थोड़ा महंगा गिरेगा।
पैसों की परवाह मत करो रफीक, काम बाखूबी होना चाहिए। ओके सर, चलता हूँ, हो जाएगा। व्हाट अ गुड आइडिया सर, व्हील चेयर से सीधा सीएम की चेयर। और जिस कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ वो कभी हार ही नहीं सकता। लेकिन मात्र साहब अगर युवराज ठीक कह रहा है जोशी। सर, आपका फोन। जी वो रफीक का रेफरेंस दे रहा है। इधर ला। हेलो जोशी हियर। रफीक ने बताया था मुझे अन्ना साहब से बात करनी है। हम दोनों एक ही हैं, बोलो। उनके बदले आप पे गोली चलाऊं चलेगा? जोक अच्छा मार लेते हो। गोली भी। रफीक ने काम तो समझा दिया होगा ना? ध्यान रहे, गोली चलनी तो चाहिए लेकिन वो मरने नहीं चाहिए। 1.5 करोड़। बहुत ज्यादा है। एनी पॉलिटिकल कंसेशन? एक पर एक फ्री चलेगा? नहीं नहीं, थैंक यू। ठीक है, आधे अभी आधे काम खत्म होने के बाद। पूरा अभी एक साथ। मगर तुमने चीटिंग की तो? मैं शूटर हूं, पॉलिटिशियन नहीं। गुड जॉब। फॉर्मेलिटी के लिए एक बार मिलना पड़ेगा। मैं मिलने के नहीं मारने के पैसे लेता हूं। मिलोगे तो मरोगे, फिर भी बोलो कब मरना है। नहीं नहीं नहीं, मिलने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा बिजी हूँ। आई ट्रस्ट यू। ठीक है, सारे नोट 1000-1000 की डिनोमिनेशन में, नोटों की सीरीज अलग अलग, प्लास्टिक कवर में सील करके लाल रंग के बैग में डालकर 925 की दादर लोकल में बीच वाले सेकंड क्लास के तीसरे नंबर की सीट के नीचे रख देना। कोई बैग लेके उतरा? नहीं सर, इस स्टेशन पर भी कोई नहीं मिला सर। जो भी अपना बैग लेके उतरे उसका पीछा करो। कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, समझे? मैं चारों आपस से देख रहा हूँ सर। सॉरी। वो ट्रेन जा रही है सर। अरे तो पहले ट्रेन में क्या? अरे क्या? सॉरी भाई साहब। अच्छा, बैग सही सलामत है? जी सर। लेकिन सर पैसे किसी ने निकाल लिए सर। कैसे? परसों सुबह 10:30 बजे वो वहां पर स्पीच दे रहा होगा और मैं उस बिल्डिंग के 9th फ्लोर पर रहूंगा। मैं बिल्डिंग के पीछे रेड फोर्ट में रहूंगा। लेकिन इस बार गाड़ी कहीं और से हायर करना। मैं गोली चलाने के ठीक 1 मिनट बाद वहां पहुंचाऊंगा। भाइयों और बहनों, क्या दिया है हमें इस सरकार ने? मार रही है, पकड़ डालो सरकार को, हमारी
तलवार, बदल डालो ये सरकार। ताई माँ यक्का विचार करा पक्का, अरे तलवार वर मारा सिक्का। अन्ना मात्रे, अन्ना मात्रे, अन्ना मात्रे, अन्ना मात्रे, अन्ना मात्रे, अन्ना प्यार का समंदर लहरा रहा है। जब आप लोग सीटी बजाते हैं तो एक हीरो पैदा होता है, और जब आप लोग वोट डालते हैं तो एक नेता पैदा होता है। शहर में मार आ जाती है, ट्रेन में बम रखने के लिए आतंकवादी आ जाते हैं, गिनूंगा। एक, दो, तीन। चार। सॉरी, आपका सामान चोरी हो गया। ये मेरे दादाजी की है। वैसे आप कहाँ जा रहे हो? जहाँ ये ट्रेन जा रही है। होशियारपुर?
अरे यार मैं भी वहीं जा रहा हूँ, एक छोटा सा गांव है चंबेला। वैसे अभी वो स्टेशन के पास वो लकड़े वाला पुल है या नहीं, और वो फौजी वाला ढाबा? मेरा मतलब आपका तो आना जाना लगा रहता होगा ना। बहुत सालों बाद जा रहा हूँ। कमाल है यार, इसीलिए हमारे बीच में ये कनेक्शन। 8 साल का था मैं जब मैं पंजाब के प्यारे से गांव से भागकर गुजरात चला गया था। 18 साल, 18 साल अपने दादाजी से दूर, अपने खेतों से दूर, अपने लोगों से दूर। कितने अपने चेहरे अनजाने हो गए होंगे, और जाने कितने अनजाने चेहरे अपने हो गए होंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि दादाजी का गुस्सा अभी भी वैसा ही होगा। मुंबई एक काम से गया था मैं, तब पता चला कि दादाजी अपने पूरन के लौटने का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। मैंने सोचा था कि दादाजी को एक कॉल कर दूं मैं, लेकिन दादाजी से बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई, इसे टेलीग्राम भेज दिया मैंने। अब आप एक सेकेंड। अब ये मैं पूरन, और ये प्रीत। ये मेरे पिताजी के बहुत ही करीबी दोस्त की बेटी है। एक एक्सीडेंट में एक ही साथ अनाथ हो गए थे, इसीलिए दादाजी इसे हमारे घर ले आए। ए यार, मन करता है कभी कभी कि 2-4 इंजन और लगा दूं ट्रेन को, फिर 13 घंटे की बजाय 3 घंटे में ही गांव पहुंच जाएंगे, फिर अपने खेतों के पास, अपने लोगों के पास और अपने दादाजी के पास। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं भागा क्यों। हाँ, वो क्या हुआ था कि मेरे गांव में भाई साहब, ये कौन सा स्टेशन है? रेलवे स्टेशन है बाबूजी। स्टेशन का नाम क्या है? वलसाड रेलवे स्टेशन है बाबूजी। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, दूसरा सामने है, तीसरा बनने की जगह नहीं है, और मेरे पास 50 का छुट्टा नहीं बाबूजी। अरे भाई, अरे भाई, बाकी के पैसे। अरे यही वो ट्रेन है, तुम उधर जाओ, मुझे यहीं कहीं होगा। कम ऑन सर, मूव। सुनो तो, भैया मेरा नाम लड्डू है। पूरन भैया ये बहुत लड्डू खाता है ना। चुप ना सिम्मी। भैया मैं प्रिंस। और मैं भैया। भैया मैं याद हूँ ना आपको, आपकी छोटी बहन नंदिनी। मुझे तो बुआ, तो तुझे याद शादी होगी। लव जी जैसे छोड़ वोड़ के गया था ना, बिल्कुल वैसी की वैसी हूँ मैं। और मैं तेरी बलबीर बुआ। बचपन में टीका लगाना भूल गई थी, इसलिए नजर लग गई तुझे। अब नहीं लगेगी नजर। पूरन भैया लंबे है ना, इसलिए झुककर पैर छूने में तकलीफ होगी। चुप कर, पीछे गायत्री बुआ, गायत्री।
तेरी बुआ के पैर छू। जिंदे रहो पुत्र। ओए पूरा ना तुझे का शौक है कि नहीं, तू नंदी को और फिल्में देखने का बड़ा की नजर ना लगे। हाय रब्बा, पूरन भैया की नजर तो लगने दो। बलबीर ये तूने बड़ा ही अच्छा किया, जो इसे काला टिक्का शिक्का लगा दिया, परी लग रही है परी। हाय मैं तो भूल ही गई, क्या रसोई में नहीं जाना, चलो आप लोग जाओ, मैं पूरन को पूरी कहानी सुना कराती हूं। बाकी की कहानी मुझे सुना, चल चल। शादी कर ली। लेट मी टेक द चार्ज। ओ जी। ओ पूरन, तूने शादी कर ली? ओए, ओ ये तो अपनी प्रीत है। नाटी गर्ल, उम्र भी क्या चीज बना देती है इंसान को। तेरे को नहीं पता, तू बैठ। तू तो बस ये बता कि तू आया कैसे। ओ यार कैसे एडल्ट सवाल पूछ रहे हो यार, हर आदमी बायोलॉजिकली स्पीकिंग एक ही जगह से तो आता है। कहां से? इनका भी ना सेंस ऑफ लॉजिफिकेशन ना कमाल का है। वैसे तूने हमें पहचान तो लिया है ना? कुछ पहचाने का कैसे, इसके जाने के बाद तो इस घर की रोटियां तोड़ना शुरू की हमने। कुछ ज्यादा तो नहीं मैं बोल गया भाई? नहीं नहीं, क्या है कि जो बाऊजी है ना वो हमेशा हमारे पे ताने मारते रहते हैं कि यहाँ कमाई चलेगी लेकिन जमाई बच गए। सो डिप्रेसिंग आई टेल यू। वैसे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं, मैं हूँ आपका बड़ा फूफा अमरीक सिंह नासा, IBAS यानी कि इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट। ओ पुत्र खड़ा हो जा, खड़ा हो जा पुत्र, चली कर। मैं तेरा छोटा फूफा बाय चांस इंटरनेशनल होशियारपुर का वकील हूँ जी। वैसे मेरा नाम की आजकल लीगली परमिंदर सिंह। हाँ जी लीगली परमिंदर सिंह। बैठ जा। वैसे तूने बॉडी चढ़ी तो अपने डाई, रात को कहीं अल्कोहल चल गया ना? चलो ना बाबूजी से मिलने खेतों में जाना है। ओ क्या बाबूजी, हमेशा खेत खेत खेत, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं तो कहता हूँ खेत बेच के शॉपिंग कम्प्लेक्स बना लेते हैं, टॉप फ्लोर पे खेती करेंगे, बाकी दुकानें किराए पे। और भाई साहब आप हमेशा बेचने की बात क्यों करते हैं, खरीदने की बात कीजिए ना। चल पुत्र। तेरे जाने के बाद रोज 18 सालों तक मैं सूरज को टलते हुए और शाम को पंछियों को घर लौटते हुए देखता रहा और ये समझने की कोशिश करता रहा कि सूरज टलने से पहले पंछियों के लौटने की राह देखता है
यह पंछी सूरज के ढलने की अगर तू लौटने से पहले मेरे टलने का इंतजार कर रहा था तो मैंने भी ठान लिया था कि मैं तब तक टलूंगा नहीं जब तक तू लौट कर वापस नहीं आ जाता। बोल, जीत गए ना तेरे भाऊजी? बोलना, जीत गए? तू हार गया ना? बस इस वक्त के साथ थम गया था ये बूढ़ा, आज तू नहीं, मेरा वक्त लौट आया है। अब मैं टल भी जाऊं तो कोई परवाह नहीं है यार, मेरा पूरन लौट आया है, मेरा पूरन लौट आया है यार, मेरा पूरन लौट आया टोपी वाले। अरे ऐसी जगह तो टोपी पहन के ही आना पड़ता है। ये क्या, इतने में क्या होगा? रानी पहले जमाने में इतना तो टीप में देता था। आउच। चार चार गाड़ी था अपना, चाइनीज का, यूसुफ का बच्चा लोग वाट लगाया, अब धंधे वाली वाट लगा रही है। ए, क्या बोला? हाँ क्या बोला तू? मैं कोई आलतू फालतू आइटम नहीं, जिस यूसुफ से तेरी है ना, वो चंदा रानी, चंदा रानी कहता मेरे आगे पीछे घूमता है। पर सोच गई थी, पूरा 10,000 दिया रोकड़ा। चंदा रानी। कैसा लगा मलेशिया? क्या हुआ, हंस रही है? अरे काय का मलेशिया, इधर मालवानी में, रोड नंबर 8 खोली नंबर 25। वो लतीजा आयला। क्या हुआ? अभी इतना बड़ा भाई का बहन बोलेगा, तू जो बोलेगी वो देना ही पड़ेगा ना। अब तो तू भी जो मांगेगा वो तेरे को देना ही पड़ेगा ना। अच्छा ए तुझे रानी, come on, get up, get up. तचाय लतचाय। शर्म आती है मुझे तुम पर रानी, इतना टैलेंटेड ऑफिसर अपना टाइम ऐसी जगह पर बिताता है। डिपार्टमेंट ने मेरा टाइम खरीदा है कि टैलेंट? क्या मिलता है तुम्हें ऐसी जगह पर? टैलेंट दिखाने का मौका, आदमी को ही मालूम होता है उसका टैलेंट कहां छिपा हुआ है। शट अप। और क्या फटे हुए कपड़े पहनकर आते हो, और ये टोपी क्यों पहन रखी है? किसी को पता न चला दिमाग में क्या चल रहा है इसलिए। आई एम रियली अशेम्ड ऑफ यू रानी, आई एम रियली अशेम्ड। गेट आउट एंड डोंट शो मी योर फेस अगेन, गेट आउट। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पुलिस के लिए यूसुफ मटका मलेशिया में है, लेकिन असलियत में मालवनी रोड नंबर 8 रूम नंबर 25 में मिलेगा। थैंक यू सर। रानी। यस सर। रेड द प्लेस एंड ग्रैब हिम। सर। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू रानी। सर, जस्ट नाउ यू सेड यू आर अशेम्ड ऑफ मी एंड रानी, आई सेड आई एम प्राउड ऑफ यू, सिट डाउन। थैंक यू सर। सर बी कंसिस्टेंट सर। यू आर रियली अ लवेबल रास्कल, इसी वजह से मैं तुम्हें बर्दाश्त करता हूँ। मैं भी। नमस्ते भाभी जी। रानी। सर। काम वाली है, घर में काम करती है। ओह सॉरी सर, आपने कभी घर पे बुलाया नहीं ना, मुझे मालूम नहीं था। कैसा काम करती है? रानी, पिंकी तुम अंदर जाओ, शोकू की मदद करो। थैंक यू। पिंकी। हाँ जाइए, शकु की मदद कीजिए। बाय द वे, शकु इज माय वाइफ।
ओह सॉरी सर, मुझे लगा कोई दूसरी कामवाली है। शट अप राने एंड स्टॉप दिस नॉनसेंस। सॉरी सॉरी सर, सॉरी। आधी रात को पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारे पीछे दौड़ा है, तुम्हें यहाँ बुलाया, पता है क्यों? हाँ, मात्रे मर्डर केस, पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। आप पर भी बहुत प्रेशर है ऊपर से। ओह नाइस, वेरी नाइस। शकू माय वाइफ। यस आई नो। नमस्ते भाभी जी, इट शुड बी देयर एक्चुअली। लिसन रानी। यस सर। आई वांट द जॉब डन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। लेकिन मेरी तीन शर्तें होंगी। कोई मेरे काम में दखल नहीं देगा, आपके कोई लोग मुझे उठाकर लेके नहीं आएंगे कहीं से, और आपको मुझे 2500 रुपये देने पड़ेंगे। किस लिए? मुझे आधे काम से उठा के लाने का हर जाना। कैसा काम? वो रवि बताएगा। और सर मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। कितने दिन? दिन नहीं, रातें। आप जानते हैं मैं रात में काम करता हूँ। यू आर रियली इम्पॉसिबल राणे। यस सर। नहीं, लीव दैट, ये रख दो प्लीज एंड टेक दिस फाइल। ओके सर, थैंक यू सर। छोटे लड्डू खाओ, है मुंह फट जाएगा। मिठाइयां बाहर भी भिजवा दो भाई, मुंडे वाले भूखे बैठे हैं। लगा तुम्हें? कौन? वो ही जो मेरे साथ नाच रहा था, पीछे पै गया। कह रहा था कि शादी करूंगा ना तो सिर्फ तुमसे। कांग्रेट्स। ओए क्या कांग्रेट्स कांग्रेट्स, मैं कोई नंदनी थोड़ी हूँ कि एक लड़का देखा और शादी कर ली। अब मेरे पास तो ना चॉइस ही चॉइस है, शाहरुख, अभिषेक, ऋतिक, कोई ना कोई तो मुझे पसंद आ ही जाएगा। अयो रब्बा, तूने मेनू इतना सोना क्यों बनाया? देखा, तुम्हारी नजर भी मुझसे नहीं हट रही। तुमसे किसने कह दिया कि तुम बहुत खूबसूरत हो? पूरे गांव में किसी से भी पूछ लो। झूठों का गांव है ये। नाक देखी आपने? ऐसे लगता है किसी ने मुक्का मार के बिठाई हो। भेंगी आंखें और कान, ऐसे लगता है किसी से उधार मांग के लगाया हो। ओए, तुम कहना क्या चाहते हो कि प्रीत खूबसूरत नहीं है? खूबसूरत? आईना देखा है? देखोगी तो आईना भी टूट जाएगा। किसी ने बाल फेंकी।
हाँ तो मिस प्रीत, आप कोर्ट को बताएंगी कि मुवक्किल पूरन ने आपके साथ क्या ज्यादती की? पूरन ने ना, हाँ पूरन ने ना, हाँ पूरन भैया ने दीदी से कहा कि वो ब्यूटीफुल नहीं है। एक औरत के सामने सच बोलने का घोर अपराध। जज साहब आप अपनी सजा सुनाओ जी। और क्या, इसने प्रीत की नहीं सारी औरतों की ब्यूटी पे उंगली शुंगली उठाई है। जज साहब आप इसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाओ जी। इस जुर्म की बड़ी भयानक सजा है एंड अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी। डार्विन थ्योरी क्या है? आप लोड नहीं लो, इसकी सजा ऊपर वाला तय करेगा, ठीक है जी? तो सजा ये है कि जी, जब मेरे तीन गिनने तक ना बारिश नहीं हुई ना, तो बस समझ लो कि औरतें खूबसूरत नहीं होती हैं। ये भी कोई बात चाहता है? ये तो बिल्कुल गलत है जी। इस मौसम में बरसात, इसके लिए तीन तक तो क्या 3 महीने तक गिनना पड़ेगा। हाँ 3 महीने, पापा को 3 के आगे गिनती नहीं आती है। ओड़ार, ओड़ार। तो मैं कह रहा सी, पैरी पौना एक, ते पैरी पौना दो, ते पैरी पौना तीन। सोना लगदा प्यारा लगदा, सोना लगदा प्यारा लगदा,
लगदा सोना लगदा प्यारा लगदा मेरे आ माही मेरे आ ओ मेरे आ माही मेरे आ सोना लगदा प्यारा लगदा सोना लगदा प्यारा लगदा मेरे आ माही मेरे आ ओ मेरे आ माही मेरे आ भगवान इतने बेरहम क्यों होते हो? जी सर। 308 कैलिबर, 26 बैरल लेंथ, 0.038 ट्रैवलिंग टाइम ऑफ द बुलेट। तीन प्रॉब्लम्स हैं। एक तो गोली इस राइफल से नहीं चली। प्रॉब्लम नंबर टू, अगर गोली यहां से चलती तो एंगल ये ऐसे होता, गोली यहां लगती और यहां से निकलती। मात्रे को गोली यहां लगी है और यहां से निकली है। एंड प्रॉब्लम नंबर थ्री, गोली चलने के बाद पुलिस सीधी इस बिल्डिंग में कैसे आई? उन्हें कैसे मालूम कि गोली चलाने वाला इसी बिल्डिंग में है? सर, शायद गोली की आवाज से। बंदूक पर साइलेंसर लगा था। सॉरी सर। और रवि? पुलिस से बचने के लिए छत से कूदकर भाग गया। तुम्हें यकीन है वो यहीं से कूद के भागा? जी सर। चलो तुम सीढ़ियों से चलो, मैं इसी रास्ते से आता हूँ। अरे सर। अरे यहाँ से कूद के भागने वाला तो रबड़ का बनना चाहिए। ठीक है चलो। पहचान कौन? टंटे ने ओ बेब को गुरु, मैं तेनु क्या सी 18 साल बाद आया, कैसे पहचानेगा? ओए तू अपने मुंह का हॉर्न बंद करो देव। पहचानेगा कैसे नहीं, मेरा बचपन का यार है पूरन। पूछो पूछो। याद नहीं तेरे को, स्कूल में हम तीसरी क्लास में इकट्ठे पढ़ते थे। ओए टंटे ने, तेरे से पहले तो हम दूसरी क्लास में साथ साथ थे। तू ऐसा कर, मेरे साथ शर्त लगा ले, अगर ये पहचान ले के तू गुरु है तो तू मुझे 1,000 रुपया देगा। टेंटेड़े पक्का? मंजूर। पक्का। पूरन बता इस पागल को मैं कौन हूँ? गुरु और ये देव। ओ मेरी जान पूरन। यार बहुत याद करते थे तुम। ले भाई पूरन, देव के ढाबे की स्पेशल लस्सी मैंने खुद बनाई है अपने हाथों से। टेंटड़े और दो गिलास साडे लिए भी भेज। ओए तू पूरन, सबसे पहले तो मुझे ये बता कि तू इतने दिन रहा कहाँ और क्या करता था तू? अरे और सुना, कोई मेम शेम की बात यार? ओ गधे की संतान, अगर प्रीत भाभी को पता चल गया ना तो पूरन के साथ ऐसी बातें कर रहा है तो इसी लस्सी की तरह फेंट फेंट के तेरी लस्सी बना देगी वो। पूरन पुजारी जी, पहचाना पूरन? करती ना उल्लू के पट्ठों वाली बात, और जब इतने सालों के बाद उसने हमें पहचान लिया तो पुजारी जी को नहीं पहचानेगा है? वैसे पूरन एक बात बताऊं,
पुजारी जी अभी तक भी उस सदमे से बाहर नहीं निकले। उस दिन हुआ बहुत बुरा यार, हमें ऐसी शर्त लगानी नहीं चाहिए थी। अब तू गलत बात कर रहा है यार, पूरन को क्या पता था कि रामू कमजोर दिल का है, अगर इसे पता होता तो ये शर्त ना लगाता। कमाल कर दे तू भी गुरु। वो क्या हुआ था ना कि बचपन में हम दोस्तों ने मिलकर रामू के साथ एक शर्त लगाई थी। ठीक है, मैं दिन में मुल्लापुर कब्रिस्तान में चार नींबू रख के आऊंगा और तू उन्हें रात के 12 बजे उठा के वापस ले आना, तो फिर हम समझ जाएंगे कि तू डरपोक नहीं है। हाँ बोल। मंजूर मंजूर। आखिरी नींबू उठाने ही वाला था कि उसे लगा उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया है। उसे वहीं दिल का दौरा पड़ गया। सुबह लोगों ने देखा कि उसकी कमीज एक पेड़ की टहनी से अटकी हुई थी। बेटी क्या हो रहा है? क्या हुआ? पैसों का इंतजाम हुआ? नहीं सावित्री। हाय बच्ची की तबीयत तो बहुत बिगड़ी जा रही है। मुझे अपने राम जी पर पूरा भरोसा है। इस भक्त की मदद करने के लिए भगवान खुद आएंगे उसके द्वार। तू चिंता मत कर बेटी। घर में सांप, पुजारी जी का घर में सांप, सांप पुजारी जी, सांप। पुरन, 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 पैसे पुजारी जी को मिल गए यार। और ना वो ये समझ रहे हैं कि भगवान श्री राम ने उन्हें इस मुसीबत से निकाला है। पूरन, सच्ची यार तूने दिल खुश कर दिया। तूने जो काम किया ना वो खुद भगवान भी नहीं कर सकते। मैं कोई भगवान नहीं, ना तेरी तरह कोई नेक इंसान हूं। अब तू कहेगा कि मैं पूरन भी नहीं हूं। हाँ, मैं पूरन नहीं। क्या कह रहे तू? पूरन नहीं है तू? तो घर वालों ने तुम्हें पूरन समझ लिया? हाँ। पर तूने पुजारी की मदद क्यों की? क्योंकि उनकी हालत का जिम्मेदार पूरन था, और पूरन के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। आपसे एक बात पूछूं, मतलब तुमने अगर महात्रे का कत्ल नहीं किया तो पुलिस को बता क्यों नहीं देते हो तुम? पुलिस मुझे कातिल समझती है और मेरा पीछा कर रही है। फिर तो तुम्हें छुपाना होगा। वही तो मैं कर रहा हूं। लेकिन तुमने ये सब कुछ मुझे क्यों बता दिया? अगर मैं तुम्हारी पोल खोल दूं तो अब तो हमारे बीच वैसे भी कोई रिश्ता नहीं रहा है। रिश्ता है भरोसे का, जैसे राम और हनुमान के बीच था।
वेलकम सर। किसी डॉक्टर को दिखाओ। सर मैं खुद ही डॉक्टर हूँ। मेरा मतलब किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। अरे एक मिनट सुनिए जी। यस सर माय वाइफ। चलो बॉडी दिखाओ। सर डेड बॉडी कहाँ है? ओके सर, बॉडी पर अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया और ना ही इसके पास से कुछ मिला है जिससे बॉडी आइडेंटिफाई हो सके। सॉरी। जस्ट अ मिनट। ये क्या हाल बना है? एक्सक्यूज मी। यस। आप रोज अपने हस्बैंड को एक एप्पल खिलाइए। एप्पल? एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। नहीं तो आपको भी जुकाम हो जाएगा। वैसे आप इतनी सुंदर दिखती हैं, छींकती हुई अच्छी नहीं लगेंगी। रानी बाय द वे। ओ क्या हुआ? ओ चौधरी हमारे खेतों में अपने आदमी लेकर घुसा है। बाबूजी, पूरन, पूरन। क्या हुआ? बाबूजी चौधरी से मिलने खेतों में अकेले चले गए। ये चौधरी कौन? ये क्या हो रहा है चौधरी? फेंसिंग। पटवारी साहब सिखा रहे थे कि अंग्रेजी में इसे फेंसिंग कहते हैं। सीधी बात ये है जी, आज से ये जमीन हमारी हुई कृपाल सिंह जी। तो तू दादागिरी पर उतर आया है? लो जवाब ना दो तो बदतमीजी, दो तो दादागिरी। हमारे जैसा शरीफ आदमी जाए तो जाए कहाँ है? बड़ी मुश्किल है पटवारी साहब। पटवारी साहब आप इसे रोक नहीं सकते तो कम से कम इसका साथ तो मत दीजिए। ऐ जमीन मेरी है। पर कागज तो ये नहीं बताते। आपकी है तो आप कोर्ट में जाइए ना। जाइए ना। मैं तुहानू छड्डांगा नहीं, मैं पुलिस को जावांगा। कृपाल सिंह जी इंस्पेक्टर साहब को हमारी तरफ से सासरी काल बुला देना। पूरन कहाँ जा रहा है? बात करने। पूरन पूरन। अरे जाने देना, बात ही तो करेगा। ये कौन है जनाब? कृपाल सिंह का पोता है, अभी अभी शहर से आया है। आप ये गलत कर रहे हैं। जानता हूं बुरी आदत है, मगर क्या करो छूटती ही नहीं। पहले से बहुत कम कर दी है, अगर तुम कहो तो। मैं सिगरेट की बात नहीं कर रहा। कहीं तुम इन खेतों की बात तो नहीं कर रहे? ये मेरे बाबूजी की जमीन है, फेंसिंग रोक दो। तुम्हारे बाबूजी पुलिस स्टेशन गए? पुलिस यहाँ बहुत सस्ती है, 10,000 में बिक जाती है। वो वहां से आएंगे ना तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका होगा। अच्छा हुआ तो आ गया बेटा, उनको संभाल के घर ले जाना। अभी जाओ चौधरी, इससे पंगा लेके तूने यमराज को अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया। की? और आप? देख बेटे ये जमीन तेरे बाबूजी की है ये सब जानते हैं, पर इन सरकारी कागजों पर चौधरी साहब का नाम लिखा है। और कानून जो है वो कागज मांगता है। हाँ जी तू जाओ बेटे। इसका मतलब आप कुछ नहीं करेंगे? नहीं। पक्का? बहुत जिद्दी है बच्चा। हाँ जी। मैंने पूछा था तू कुछ कर सकता है या नहीं, तूने मना कर दिया। मैं
इंस्पेक्टर को 1,00,000 दूंगा, वो तेरी मौत को एक्सीडेंट केस बना देगा। सोच ले, बूढ़ा होकर मरना है या भी एक्सीडेंट से। ये सिर्फ जमीन नहीं चौधरी, इस मिट्टी में मेरे पाऊजी का खून पसीना मिला है। ये जगह 5 मिनट में खाली कर देना। छोड़ना नहीं इसे, जाने ना पाए, मार डालो, मार डालो। जो भी है, you are as genius as me. कहीं आप नासा से तो नहीं? मैं राने सीबीआई से हूँ। ओ, मतलब चेस बोर्ड ऑफ इंडिया। नहीं, कुछ पागल लोग इसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। ओ पाजी, आपने जो खेता विच ट्रैक्टर खराब कर दिता ना, उन्हें बनाना है। चल खड़ा हो जा, उठ उठ। ओ आईसी, ये पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले। आप चारों में से कृपाल सिंह कौन है? ये दोनों लेडीज तो नहीं है। हाँ, तो फिर कौन है? मैं आप जी दी क्या मदद कर सकता हूँ मिस्टर राणे? पूरन आपका? पूरन? पूरन मेरा पोता है। क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? पूरन भैया, पूरन भैया, दादा जी बुला रहे हैं आपको, घर पर कोई पुलिस वाले आए हैं। पूरन
हेलो हाँ मेरा आईडी कार्ड लेकर ऊपर आ राइट सर जल्दी करना हो रहा है इसके फिंगरप्रिंट्स लेने की क्या जरूरत है मौका है वारदात पर मिले फिंगरप्रिंट्स मैच हुए थे नंदकुमार राणे सीबीआई इंस्पेक्टर हैव अ लुक प्रॉपर्ली बड़ी खुशी हुई तुम्हें जिंदा देखकर हेलो जी ओह नहीं ले आ दे दे ए शन्ना हाँ जी वो तेरा व्याव होया के नहीं ना जी होया नहीं कि कितना नहीं वो करीब ही ना मेरे वर्ग का बंदा मिल गया ना ते लस्सी बनांदी बुड्ढी हो जाएंगी एक और ग्लास लस्सी ले आवा चल यार रस्ते बीच पी लाएंगे आप मुझसे कुछ पूछना चाहते थे हाँ पूछताछ तो होती रहेगी पूरन सिंह पूरन 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 सिंह पूरन सिंह जिस गांव में कोसों तक ढंग का पुलिस थाना न हो वहां सीबीआई वाले आ जाएं तो गांव वाले डर जाते हैं तुम्हारे घर के लोग तो गांव के सीधे साधे लोग हैं और तुम नहीं डरे थैंक्स फॉर कोऑपरेशन आपको यही पूछना था तुम्हें क्या लगता है हमको कितनी तनख्वाह मिलती होगी जस्ट गेस ढंग की लस्सी तक हम अफोर्ड नहीं कर सकते उसमें ये प्लेन से पंजाब आना बार बार शन्नो के हाथ की लस्सी पीना बड़ा मजा आ गया मैं कुछ समझा नहीं समझा नहीं लेफ्टी आई डोंट स्मोक ओह सॉरी आई एम राइटी आई कुडंट मेक इट पिछले दिनों बंबई में एक नेता अन्ना साहब मात्रे को किसी ने टपका दिया पुलिस उसका चेहरा देख नहीं पाई देखने से पहले वो भाग गया पंजाब आने वाली ट्रेन में घुस गया अगले स्टेशन पर पुलिस ने उसके जैकेट से उसे पहचाना उसको रुकने को कहा वो भागा गोली चली और उसमें ये मर गया पूरन सिंह केयर ऑफ कृपाल सिंह उम्र 36 इसलिए तुम्हें जिंदा देखकर बड़ी खुशी हो रही है अब बात यह बचती है मिस्टर पूरन सिंह कि तुम्हारे बर्थ पर मौत को गले लगाने वाला वो शख्स कौन था दरअसल मैं एक स्टेशन पर पानी लेने उतरा हाँ? ट्रेन छूट गई हाँ? और मुझे वहां से बाय रोड यहां आना पड़ा हाँ? मेरे उठने के बाद शायद वो शख्स मेरी जगह पर बैठ गया हो और लाश बन गया दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर मैं खुश हूं तुम बच गए नहीं तो सरकारी खर्चे से हम यहां कैसे आते हमारी मीठी मीठी शन्नों के हाथ की मीठी मीठी लस्सी कैसे पीते अरे भगवान किशन भी एक दिन में इतना दही मक्खन नहीं खाए होंगे कभी मुंबई आना होया तो मनु याद जरूर करिए पर मैंने तो पढ़ना नहीं आंदा गूगल करना तो आंदा है जब इस मेरा नंबर है
बाय बाय। ठीक है। बाय बाय। बाय बाय पुरन। बाय बाय। सर हर नौकरानी के साथ आप? अरे नौकरानियां समझो दीवार के कान होती हैं। इनके मुंह से कुछ निकलवाना है तो इनके मुंह लगना पड़ता है। कम। गोल्फ क्लब पर मिले हुए फिंगरप्रिंट से मैच होते का देख लेना। राइट सर। जस्ट गेट इन। यस सर। सर ये पूरन के फिंगरप्रिंट्स और मौका वारदात पर मिले फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल मैच नहीं हो रहे। वो मार्ग वाले डॉक्टर का पता मिल गया? जी सर। जिंदगी साथ होते हुए मुर्दों से खेलते रहता है। बट नाइस डॉक्टर, उसके घर में जाकर चेकअप करवाता हूँ। पर वो तो भी हॉस्पिटल में होंगे। नहीं, मेरी दवा तो उसके घर में है ना। फिल्मों में तरम पाजी और सनी पाजी को देखा था और यहां इसको एक दूध के दांत वाला हमारे 20-20 आदमियों के दारू के दांत निकाल कर चला गया। ओए नसीब अच्छा था कि मैं यहां नहीं था। बल्ली वाकई तेरा नसीब अच्छा था कि तू यहां नहीं था। बच गया। आपको मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है जिज्जे। मैं अब कही सुनी बातों पर यकीन नहीं करता बल्ली। ठीक है जिज्जे, कल आपको मेरी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। मतलब कल फिर तू दारू पी के अपनी बीवी को मारेगा जिज्जे? ओए ओए, अगर तुम मेरे जिज्जा नहीं होते तो नहीं होते। पर बल्ली का खून खोल उठा है। कल गांव में मेला है। मेले में सबके सामने घर में ने उसकी आंतड़ियां निकाल कर कुत्तों को ना खिला दी तो मेनू अपनी भैन दे सुहाग दा वास्ता है। चलो मेरे की खा गया आया भाई? चने। हैं? साले आज ही खाने सी। पहन दे परा। ओए नाम क्या है इसका? पता। ओए पते! नहीं नहीं नहीं। नहीं? पता नहीं। मारने आया और नाम भी नहीं पता? ओए लंबा! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जीजे को हाथ लगाने की? तू जानता नहीं बल्ली कौन है? कौन है? मैं हूं बल्ली। जब मैं बोलता हूं रुक जाती है पूरी गली। ओ रुक जाओ। देखा, अब तुझे पता चलेगा बल्ली दे जिज्जे नु कुटन दा नतीजा। ओ तेरे पीछे देख, तेरे साइड में देख, देख देख।
एक आदमी के लिए इतने कम है? ओ नहीं, ओ तुझे मारने के लिए तो ये शेर ही काफी है, पर मेरे ये कुत्ते क्या खाएंगे? मोती शू खानदान में लड़कियों को हाथ नहीं लगाते। बल्ली जी। हाँ जी। क्या यही तरीका सीख के आया है तू? क्या कहेंगे गांव वाले, कृपाल सिंह का पोता गुंडा है? लेकिन भाऊजी, इसमें भैया की क्या गलती? शुरुआत तो उन लोगों ने की थी। ओ कौन हैं वो लोग? क्या इज्जत है उनकी? क्या हम भी उन जैसे बन जाएं, उन्हीं की बोली बोलने लग जाएं, भूल जाएं अपने संस्कार? अगर यही तेरा तरीका है तो चला जा वापस। भाऊजी, 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 भाऊजी की बातों का बुरा मत मान पुत्र, तू बैठ, बैठ ना। उनके गुस्से में ही उनका प्यार है, उनकी बातों का बुरा मत मान, चल खा, खा ना। अरे ये क्या हुआ? बचपन में मैंने हाथों से बहुत खाना खिलाया है, आज भी खिलाऊंगी।
बाऊजी की बातों से नाराज है? इतने साल अकेला रहा ना, आदत नहीं रही होगी इस प्यार की, इस गुस्से की। इतने साल क्यों लगा दिए बेटा, पहले क्यों नहीं आया घर? हाँ, मुझे नहीं पता था बुआ कि घर ऐसा होता है, वरना मैं बहुत पहले आ जाता। Woman is too cold to handle. रवि, 7 मिनट में क्या कर सकते हो? सर, आमलेट बनाकर खा सकता हूँ। अरे यार, पुलिस में हो इसका मतलब सिर्फ खाने के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा नहीं है। खैर पाटिल। सर मैं अंडे नहीं खाता, आई एम अ वेजिटेरियन। दैट्स गुड, मुर्गी को तकलीफ कम। जैसा ही तुरे। सर आपका सवाल समझ में नहीं आया। सवाल समझ में नहीं आया? 7 मिनट में आदमी क्या क्या कर सकता है। 7 मिनट में शेक्सपियर हैमलेट के लिए सोलोलॉकी लिख सकते हैं। 7 मिनट में जॉन अब्राहम अपने बालों में 20 बार हाथ घुमा सकता है। 7 मिनट में अपने भाषण के दौरान 3 बार झपकी ले सकते हैं। 7 मिनट थे शूटर के पास। 11 बजे मात्र ग्राउंड पर पहुंचा। थोड़ी देर बाद भाषण देना शुरू किया। आपके रहने 11:10 पर गोली चली। 11:17 को पुलिस ने बिल्डिंग को कॉर्डन किया और 11:20 पर शूटर ने यहां से छलांग लगाई। 7 मिनट में वो आमलेट बनाकर खाकर डकार मारकर आराम से वहां से निकल सकता था, फिर टेरेस से क्यों कूदा? सर, बिल्डिंग की दूसरी तरफ एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? यस सर। इसका जिक्र तो रिपोर्ट में नहीं है रवि। नहीं सर, वो एक्सीडेंट। हाँ सर, एक्सीडेंट हुआ था कार और टैंकर का, पर उसका इस केस से क्या ताल्लुक? ताल्लुक हो सकता है। वो 7 मिनट में एक्सीडेंट होना बहुत मायने रखता है। 7 मिनट का इंपॉर्टेंस तुम नहीं जानते पाटिल। अगर वो डॉक्टर आज 7 मिनट घर में लेट आता तो मुझे 3 घंटे फ्रिज में नहीं गुजारने पड़ते। सर यही वो रोड है जहां पर कार और टैंकर का एक्सीडेंट हुआ था। टैंकर इस रोड से आया था सर। रोक रोक पीछे। हेवी व्हीकल्स के लिए यहाँ नो एंट्री है ना? यस सर। लगता है किसी ने बैरिकेड काट दिया है। पता कराओ, हादसे से पहली रात यहाँ कोई टैंकर खड़ा था क्या? यस सर। जी सर। हाँ देसाई, उस व्हीकल के बारे में कुछ पता चला? सर मैं वहीं पर हूँ सर। सर वो कार यहीं से हायर पर ली गई थी। पता कराओ कैसा हुलिया था उसका? सर वो टैंकर रात से गली में पार्क था, उसके मालिक का नाम है मालिक नहीं, वो भाड़े पे लिया था टैंकर। जस्ट फाइंड आउट कौन है वो। नहीं नहीं, नाक थोड़ा तीखा, हल्का सा थोड़ा चौड़ा, थोड़ा सा। हाँ अब कान। हाँ करेक्ट, यही है प्रिंट। अरे श्योर ऐसा ही दिखता था? जी सर। यस सर। इंटरेस्टिंग। सावत्या 1992 चंद्रपुर लाइदरला महाराष्ट्र अपोजिशन लीडर, सभा में गोली मारकर हत्या, सजा उम्र कैद,
तीन साल कम हो गए गुड बिहेवियर, और पांच साल कम हो गए अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारे केस सुलझाने में मदद की, बचे छह साल। मैं चाहता हूं अगले ही हफ्ते तुम घर जाओ। शॉर्ट में समझाओ क्या काम है इस केस के बारे में, क्या जानते हो? स्पेशलिस्ट का काम है, टेलीस्कोपिक गन, बहुत पैसे लेंगे। कितने? एक से डेढ़ करोड़। एक से डेढ़ करोड़? प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा। अरे बंदूक कहाँ रखते हो इतने पैसे? बैंक में। वैसे आपने भी नहीं सोचा होगा। और हाँ, 50 लाख रुपए स्पेशलिस्ट के लिए। स्पेशलिस्ट? चैंपियन ड्राइवर जो वहां से बचा के ले जाता है। वैसे आपकी ड्राइविंग कैसी है? बकवास, इसलिए मैं ड्राइवर रखता हूं। ये 60 लाख लेता है। तुम्हें कैसे मालूम? मेरे लिए काम करता था, मेरा बच्चा है। है नहीं था, भगाने वाला मारा गया, मारने वाला भाग गया। क्या नाम है इसका? नंदू। और मारने वाले का नाम? शेखर। तुम उसे कभी नहीं पकड़ सकते। आई नो, थैंक यू, वेलकम। चल रहे सर को चैलेंज दे रहा था कि शेखर को नहीं पकड़ सकते। शेखर को तो मैं पकड़ ही नहीं सकता क्योंकि शेखर मर चुका है, नंदू जिंदा है। सर इतनी यूनिटी हमारे में क्यों नहीं? क्योंकि हमारी तनख्वाह रिश्वत से बहुत कम है ना रवि। जस्ट फाइंड आउट, अन्ना महात्रे की मौत से 15 दिन पहले किसी नंदू नाम के अकाउंट में 1 या 2 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए थे। ओके यस सर। इतने सारे बैंक है, इतने सारे अकाउंट, इतने सारे नंदू, ये सब कैसे पॉसिबल है? नंदू नाम के करोड़पति बहुत कम होते हैं। मेरा नाम भी नंदू है, नंदू कुमार राणे। फाइंड आउट। नंदू कुमार शर्मा। बैलेंस 1,70,00,000। लास्ट ट्रांजैक्शन 1.5 करोड़ जमा हुए थे 5 सितंबर को। 5 सितंबर लास्ट ट्रांजैक्शन। मर्डर हुआ था 10 सितंबर को। जी सर। अकाउंट होल्डर का एड्रेस है हमारे पास, अगर हम लोग छापा मारे तो? छापा इस एड्रेस पर नहीं, उस एड्रेस पर मारेंगे जहां वो है। सर 5 तारीख के बाद कोई ट्रांजैक्शन? नो सर। नजर रखनी पड़ेगी सर अकाउंट पे। अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है लेट मी नो। राइट सर। और अगर मुझसे बात करनी है तो मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। ओके सर। ओके क्या नंबर बताया? या इट्स 141-000-378। आपका सर। विल हैव टू बी इन टच। ओके। नाइस जैकेट, लुकिंग ब्यूटीफुल स्वेटे, डोंट फॉरगेट टू कॉल मी। ओके बाय। बहुत सोना लगेगा। अच्छा जी। हाँ शीशा तो दिखाओ मैं देखूंगी कैसे। को मार चुका है। क्या बात है जी, वो ये कितने का है? सिर्फ 27,000 रुपए का। देखो जी पैसे क्या, बिल्कुल चिंता चिंता मत करो। मेरे गाने तो ऐसे बनने चाहिए कि सारी शादी में लोग मुझे ही देखते रहे। मंजीत दीदी देखो ना कैसा है। बढ़िया है, पर मैंने पहना होता तो और भी अच्छा लगता। ए नंदनी अपने लिए कुछ बढ़िया गहने शहने देखना। मंजीत हाँ जी। तू नंदिनी की फिक्र ना कर, इसके लिए तो मेरे गहने ही काफी हैं। है कमाल की बात करते हो, हमारी शादियों में भी नए गहने शहने बने थे ना। तब की बात और थी लेकिन आज आज क्या? लो जी आज क्या हम पिक मंगे हो गए? हम तो अपनी पांजी की शादी बड़ी तुम शुम से करेंगे। है ना नंदिनी? ओए तेरे को ये सस्ती साड़ियाँ लेने की कोई जरूरत नहीं है, तू तो सबसे महंगी वाली साड़ियाँ ले। पैसे की बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे मौसा जी ने पैसे का सारा इंतजाम कर रखा है। अमरीक और पम्मी ने? हाँ जी। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, इस पुरखों की हवेली और खेतों के अलावा कुछ नहीं बचा है हमारे पास। ये खेत नहीं, इज्जत है हमारी।
कृपाल सिंह जी, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। जब इन लोगों ने बताया कि घर में ब्याह शादी है और पैसे का इंतजाम नहीं, तो मैं चला आया। ग्रेट बाबूजी, तो घर दे बंदे हैंगे, अपनों से सब क्या छुपाना बाबूजी। जैसे ही ने पता चला ना कि घर विच लोड चल रही है, कहन लगे जमीन बेच दे पुत्र, पैसे ले ले पुत्र। देखो सुटकेस लेके आए बाबूजी, कहाँ मिलेगा ऐसा आदमी बाबूजी। राइट, खरात नहीं बांट रहा है, 20 लाख में करोड़ों की जमीन हजम कर लेना चाहता है। ये बात तुम लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रही? समझ तो आप नहीं रहे बाबूजी। अगर जमीन वापस ना आई तो चलेगा, लेकिन अगर हमारी बेटी सिंपल यूनिफॉर्म मोशन में भी वापस आ गई, हमारी ना कट जाएगी। एंड टू सेव अवर नोज दिस इंस्ट्रूमेंट। ओहो, अब ठीक है जी। ना इन्होंने कभी आइंस्टाइन की कदर की है, ना इन्होंने अमरीक सिंह नासा की। पहले मेरा करियर खराब कर दिया, फिर नंदनी की जिंदगी भी। भाभी, आपने हमारी पूरी इज्जत को अपनी खेत की मिट्टी में मिला दिया है। सॉरी चौधरी साहब, चलिए फिर कभी। सिंपल फार्मूला समझ नहीं आ रहा है। चलो जी, इनकी मर्जी। ठहरो। ओ ठहर जा, बोल लेंगे। लो, कहाँ साइन करना है? ओ आ जाओ। मम्मी लड्डू बना, और मेरा मुंह मीठा कर। कागज की तरह कागज। भाभी, आपने तो हैंड टू हैंड कर दिया है। पेन पेन लो जी, पेन चक्कर। छेती करो भाभी। वाहे गुरु जी का खालसा ते वाहे गुरु जी की फतेह। हैप्पी बर्थडे हो गया, आ जाओ। नासा वाले भी खुश हो जाएंगे। मुझे जमीन नहीं खरीदनी है, मेरे पेट में गड़बड़ है, सर में दर्द है, ठीक नहीं है, फिर कभी लेंगे। बाबूजी, क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? पटाखे शटाखे, एयर पॉल्यूशन, बैंड बाजी, नॉइज पॉल्यूशन, ज्यादा बराती, ज्यादा खाना वेस्ट। और बाबूजी, क्या जरूरत है ऐसे कपड़ों और गहनों पर खर्चा करने की जो शादी में सिर्फ एक ही बार पहने जाते हैं? मैंने तो साफ साफ कह दिया उन लोगों से, 4 लोग आओ और 2 जोड़े में मुझे लेकर जाओ। अरे कृपाल सिंह की पोती का हाथ मिल रहा है, उनके लिए बस इतना ही काफी है, नहीं तो जिंदगी भर रहूंगी मैं अपने बाबूजी के पास। बाबूजी मैं नहीं जा, मैं रहना थोड़े को बाबूजी। सुना इस पगली को, सोचती है कि बाबूजी को कुछ पता ही नहीं चलता। अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तुझे बुलाने ही वाला था। बोलिए बाबूजी। मैंने चौधरी को कल फिर बुलाया है, तू उस वक्त घर पर नहीं रहेगा। क्यों बाबूजी? तू क्या सोचता है बाबूजी को कुछ पता नहीं चलता ना? अब खेत बेच रहे हैं। इन खेतों की कीमत मेरी बच्ची की खुशियों से ज्यादा नहीं है। और आपकी खुशी? बाबूजी ना मैं इस घर से जाऊंगा और ना वो चौधरी इस घर में आएगा। पूरन, बिन बाप की बच्ची है मेरी नंदनी। अगर उसने सोच लिया कि उसके पिताजी जिंदा होते तो। पिताजी नहीं, भाई तो है। आपने इस घर की खुशियों के लिए बहुत कुछ खोया है, मैं नहीं चाहता कि आप और कुछ खोए। सर आपका फोन।
काम में है बोलो? सर बैंक स्वीटी। अरे यही तो काम है। हाय स्वीटी। सर आज उस अकाउंट से 20 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। कहाँ से? बैंक ऑफ पंजाब होशियारपुर। होशियारपुर ओए सन्नो दी लस्सी। Whitey up from the top. Break it, that's right, yo. Check it, check, Break it down from the top. Like you know it, here we go. Like the way you wanna sound, yeah. जचदा मेरा दिल माही दिल तेरा मंगदा मेरा इश्क है सोना ना लगदा मैनू बाहां विच अपनी छुपा ले संभाले कैसे दिल संभाले संभाले कैसे दिल संभाले संभाले कैसे संभाले संभाले कैसे दिल संभाले यस सर, कृपाल सिंह जी का पोता है। 18 साल बाद घर लौटा है सर। आप जानते हैं उसे? बचपन में देखा था, अब तो काफी बदल गया होगा सर। नाम भी बदल गया है। चेक तो पूरन का है लेकिन साइन नंदू ने किया है। जी सर, क्या है कि हम तो सिर्फ कृपाल सिंह जी को जानते हैं। उनके घर शादी थी आज, तो हमने तो गुड फेथ में क्लियर कर दिया चेक को। सिग्नेचर की तरफ ध्यान नहीं दिया सर। देखिए बैंक के मैनेजर हैं, सिग्नेचर की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो बैंक का दिवाला पिट जाएगा। नंदू सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। क्या ढूंढ रहे हो?
आपका जो पोता बना हुआ है वो पूरन नहीं नंदू है, ही इज अ प्रोफेशनल किलर। नहीं है, मुंबई के एक पॉलिटिशियन के मर्डर केस में वांटेड है। एक भी फोटो में नहीं है सर। ओके सर, ऊपर भी नहीं है। आपका पोता पुरन मर चुका है, सिटी हॉस्पिटल मुंबई में मॉर्ग में उसकी लाश है। यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम देयर। आई एम सॉरी। नंदू आ जाए तो इन्फॉर्म कर देना पुलिस को। मुझे अब समझ आई कि वो मेरे सामने आता क्यों नहीं था। उसे मालूम था कि ये आदमी जीनियस है, पकड़ लेगा। मुझे तो उसकी हाइट और वेट की रेशियो से आइडिया लग गया था कि देयर इज गोइंग टू बी सम सीरियस साइंटिफिक प्रॉब्लम। ओ भाई साहब, ओ गलती उसकी नहीं है, ओ गलती हमारी है। जय मुझे नहीं थे ना, अदरवाइज मेरी नजरों से बच नहीं पाता वो। भाई साहब, 18 साल के बाद ये नजरें तो धोखा खा सकती है, मगर ये दिल। क्या दिल, ये तो अच्छा हुआ कि पुलिस विदाई के बाद आई, वरना रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक के ऐसे झटके लगते कि होश आ जाता। हाँ, और खर्चे की बात साडू भाई, मैं ना साडू भाई ना, और स्नेक लोड़ी आता छाती विच 20 लाख के खर्चे पे ना पानी फिर जाता और इज्जत दी धज्जियां उड़ जाती। सो अल यार, ओए पुत्र, ये साली बड़ा बुरा जा रहा है। ओथे देखो पुजारी के घर में इंसान के रूप में श्री राम दर्शन दे रहेंगे, और अच्छे शैतान छोटे। ओ यार, अपने आप को छुरी मारने का दिल करता है। बिल्कुल सही कहा चाचा आपने, शैतान ही तो था वो। ऐसा शैतान जिसने चौधरी की कनपट्टी पे बंदूक रख के उसे आपकी जमीन से हटाया। उस दिन मेले में आपकी इज्जत बचाई, बल्ली जैसे गुंडे का हाथ तोड़ दिया उस शैतान ने। इस घर में शादी हुई, 20 लाख का खर्च आया, कहां से आए वो पैसे? आपने दिए वो पैसे। बाऊजी ने जमीन बेची अपनी, नहीं, फिर भी शादी हुई, क्योंकि उस शैतान ने इस घर की बेटी को अपनी बहन समझा और इस घर को अपनी जिम्मेदारी। आप लोगों के लिए शैतान हो सकता है वो, मेरे लिए शैतान नहीं था वो, क्योंकि पुजारी के घर में उसकी बेटी के ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए फेंकने वाले उस राम को सिर्फ ये हनुमान जानता है। शैतान वो होता है जिसकी गलतियों की सजा दूसरे भुगतते हैं, पर जो दूसरों की गलतियों की सजा भुगतता है वो शैतान नहीं होता है, भगवान होता है वो। आपके तमाचे ने, भूखे निवाले ने
के विश्वास ने और प्रीत के प्यार ने खत्म कर दिया उस नंद को। अब मैं क्या हूं यह आपको तय करना है। अगर आपकी नजरों में मैं गुनहगार हूं तो मुझे सजा देने का हक सिर्फ आपको है बाबूजी, सिर्फ आपको। किसी ने तुझे शैतान कहा तो किसी ने भगवान, और तू चाहता है कि मैं तुझे बताऊं कि तू है क्या। तो सुन, मैंने जिसे चांटा मारा था वो मेरा पूर्ण था। गायत्री ने जिसे निवाला खिलाया वो हमारा पूर्ण था। नंदिनी ने विश्वास किया अपने पूर्ण पैया पर, और प्रीत ने प्यार किया इस पूर्ण से, और तू कहता है कि तुझे पता नहीं कि तू पूर्ण बन पाया कि नहीं। हक जमाने वाले से बड़ा होता है फर्ज निभाने वाला। हम सब ने अनजाने में तुझे पूर्ण समझकर हक जताया, और तू सब जानते हुए भी उस सब फर्ज निभाता चला गया जो पूर्ण को निभाने थे। मेरे लिए तो अब तू ही पूर्ण है पुत्र। मैं पूर्ण को दोबारा नहीं खोना चाहता। बाबूजी, मैं भी इस विश्वास और प्यार को खोना नहीं चाहता। लातूर में हमारी पार्टी 3 लाख वोटों से आगे है। अरे अरे, कमाल हो गया सर। अच्छा, कमाल हो गया। नांदेड़ में 5,35,000 वोटों से आगे है। सर, आपका फोन है। खून में। अरे भेजी हूँ मैं अभी। देखिए, रफीक का फोन है। हाँ रफीक, क्या हुआ? हुआ नहीं जोशी, अभी होने वाला है। कौन? तू जानता है। नंदू, क्या चाहिए तुम्हें? उसका नाम, जिसने अन्ना मात्रे को मारा। मुझे नहीं मालूम। केस सीबीआई के हाथ में, शायद कोई विदेशी हाथ भी हो सकता है। सर, आपका पार्सल। बंद कर, मैं नहीं बात करूं। बंद कर। मैंने ही भेजा है। ए, सुनो, इधर आओ, इधर आओ। देख ले, तेरे ही काम का है। क्या है इसमें? मात्रे के बारे में जो हमारे बीच टेलीफोन पर बात हुई थी वो सब इस टेप में रिकॉर्डेड है।
ओरिजिनल कुछ ही घंटों में सीबीआई के पास पहुंच जाएगा। कितना चाहिए तुम्हें? कितना दिया था तुमने? किसे? उसे जिसने अन्ना मात्रे को मार के मुझे फंसाया था। देखो नंदू, मुझे उसका नाम चाहिए जोशी, वरना वरना तुम्हारे गले पे चढ़ने वाले हार तुम्हारी फोटो पे चढ़ेंगे। जिंदा बाद से अमर रहे हो जाओगे। बोलो जोशी, बता दो, उस दिन तुम्हारे साथ बात होने के बाद मेरे पास एक फोन आया था। कितना मांगा उसने? 1.5 करोड़। मैं 75 में करूंगा। एक मिनट, मैं 2 करोड़ दूंगा, लेकिन गोली सही निशाने पे लगनी चाहिए। अन्ना महात्रे बचना नहीं चाहिए। किले, मेरी डील मंजूर है तो शाम को मेरे गेस्ट हाउस में मिलो। ओके। शेखर का तुम्हें जो करना हो वो करो, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि सीएम बनते ही मैं सारा मामला दबा दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन भाई वो ओरिजिनल कैसेट मुझे दे दो प्लीज। सॉरी जोशी, हमारी वो बात मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। तो ये कैसेट खाली है। लेकिन अब जो हमारे बीच बात हुई वो मैंने रिकॉर्ड कर ली है। Rest in peace. हेलो राणे साहब, तो भी बिजी हैं, कोई मैसेज है तो बता दो। एक मिनट पाटिल, जरा पेपर दे। हाँ बोलो। सोच कर रहे हैं नंदू, मार डालो मुझे। तुम्हारी नजरों में मरने के बाद हर रोज मौत से बदतर जिंदगी जी है मैंने।
कुछ नहीं बन पाया मैं, कुछ नहीं। एक अच्छा दोस्त भी नहीं, बस एक प्यादा बन के रह गया जो दूसरों के इशारों पर शह और मात की चाल चलता, और आज उन्हीं के इशारे पर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। फिर एक बारबाजी पीछे चलनी मुझे है, लेकिन चाल उनकी है तुम्हें मात देने की। मुझे मुझे आज यहां तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है ना। तुम्हारी मौत मेरी जिंदगी है और मेरी मौत तुम्हारी जिंदगी। नंदू तुम जी लो अपनी जिंदगी, तुम्हारे हाथों मिली हुई मौत इस जिंदगी से कहीं बेहतर होगी। मार डालो मुझे, मार डालो। दोस्ती की पीठ में चूरा घोपने की यही सजा है, तुम्हारे साथ हुए धोखे की यही सजा। मार डालो मुझे नंदू, मार डालो। मुझे माफ कर दो, I'm sorry नंदू, I'm sorry नंदू। मैंने कहा था ना मार दे मुझे, नहीं माना तू, भूल गया? तेरी मौत मेरी जिंदगी, भूल गया तू? भूल गया था कि तुझे पीछे से वार करने की आदत है। जी कहा तूने, क्योंकि तेरी वजह से मैं कभी आगे नहीं आ पाया। क्या करता? अरे डर मत, इसे तू मरेगा नहीं, सिर्फ तड़पेगा जैसे मैं तड़पा था। सालों से हम एक साथ जिस धंधे में थे उसमें तुझे सब पहचानते थे, मुझे कोई नहीं। मुझे अपनी पहचान बनानी थी, इसलिए तेरी पहचान मिटाना जरूरी था। हाँ ये टेप ही है ना तेरी बेगुनाही का सबूत। अब तेरी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। आजा आजा, संभाल नंदू। नहीं नहीं नहीं, आजा आजा, अरे आना, आजा 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 आजा। इसी जगह बहुत बार हराया है ना तूने मुझे, आज हरा ना। आज हार गए ना।
कमॉन नंदू, टेप दो मुझे। नंदू टेप दो मुझे, तुम्हें पता नहीं है कौन कैसे मिला हुआ है। टेप दो जल्दी 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 टेप दो। अरे राणे साहब ने मुझे यहां पर भेजा है, तुम जल्दी मुझे टेप दो। कमॉन टेप दो जल्दी। हेलो, हाँ दोषी साहब, मैं टेप लेकर मैं टेप लेकर आ रहा हूं। टेप दे, टेप दे जल्दी। बस। सर, मैं आपको बताने वाला था कि मेरे सर पे लिखा हुआ है क्या? मैं उल्लू हूं। अनाड़ी समझा क्या रे मेरे को? हाँ, सांप और पाप हमेशा छाप छोड़ जाते हैं। ये चल लेके जा, चल। सर, सर मेरी बात तो सुनिए सर, प्लीज। सब निपटा दिया रवि। कमाल की कुर्सी है, किधर भी घूम जाती है, बिल्कुल आपकी तरह। कौन हो तुम? मैं इंस्पेक्टर राणे, सीबीआई। रवि सीबीआई की हिरासत में है, इंटरोगेशन चल रहा है। आप बैठिए ना, बैठिए। हम बैठ जाएं? चल बैठ जाते हैं। शायद आप इस टेप के लिए परेशान है। कौन सा टेप? मैं कोई टेप नहीं जानता। कमाल है, मैंने सोचा था पुलिस, पॉलिटिशियन और प्रोस्टिट्यूट, इनके याददाश्त बड़ी तेज होती है, अपने ग्राहक को फिर दोबारा कभी भूलते नहीं। आपको याद दिलाना पड़ेगा। नंदू, क्या चाहिए तुम्हें? उसका नाम, जिसने अन्ना मात्रे को मारा। मुझे नहीं मालूम, केस सीबीआई के हाथ में। काफी फटी हुई लगती है आपकी।
आवाज, शायद डरे हैं इसलिए। ये मेरी आवाज नहीं है, किसी मिमिक्री आर्टिस्ट ने भद्दी सी नकल की है मेरी। एक मिनट, जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। शायद कोई विदेशी हाथ भी हो सकता है। सर, आपका पार्सल। मैंने ही भेजा है। कमाल का मिमिक्री आर्टिस्ट है, आपकी सेक्रेटरी की आवाज भी कितनी हूबहू निकाली है उसने। वाह वाह। कुछ नहीं कर पाओगे तुम और तुम्हारी सीबीआई। मैं कोर्ट में ये साबित कर दूंगा कि ये टेप नकली है। और तुम शायद ये भूल गए हो कि कुछ ही दिनों में मैं इस प्रांत का मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ। कहाँ गायब हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा, समझे? ये आप खामखा बिगड़ रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब। शक्ल से मैं जितना उल्लू लगता हूँ ना, उतना उल्लू मैं नहीं हूँ। आपने ये कैसे ठान लिया कि ये टेप मैं सीबीआई या कोर्ट को दूंगा? रिलैक्स, कूल डाउन, वी आर फ्रेंड्स। अन्ना मात्रे, अन्ना मात्रे। ये अन्ना मात्रे का बेटा है ना, आप तो जानते हैं बहुत गर्म मिजाज का है। एक लोकल लीडर ने इसके बाप को धक्का दिया था तो उसके दोनों हाथ काट दिए थे इसने, याद है ना? तुम कहना क्या चाहते हो? ये टेप मैं सीबीआई या कोर्ट को नहीं दूंगा, इसे दूंगा। मुझे नहीं लगता वो आपकी कोई सफाई सुनेगा, है ना? माफ करना, आपका बहुत टाइम लिया, जो आखिर में थोड़ा सा टाइम बचा है उसमें से। जय हिंद। राम नाम सत्य। जिसने मात्रे को टपकाया वो एक्सीडेंट में मारा गया, जिसने ये षड्यंत्र रचा उसने आत्महत्या कर ली, और नंदू पुलिस के गोली से मारा गया। मेरे हिसाब नाल तो एक केस खत्म हो गया है पुरन। चल बाबूजी राह दिख रहे, डार्लिंग। अरे अभी बच्चों की छुट्टियां खत्म हो गई, वापस आ जाओ, मैं के ही रहूंगी क्या? काम करके थक गया हूं मैं। हाँ जल्दी आ जाओ, ये देखो पीछे जयराम जयराम सुनाई दे रहा है ना, वो उनके बीच में जाके बैठना पड़ेगा। हाँ, हंस क्या रहे हो? बीवी है मेरी ऑफिशियल। है कितने
तेरे मैं चल पड़ूं जिस राह पे चलते हुए तू जो मुड़े मैं भी मुड़ूं आंखों ने जो देखे थे वो ख्वाबों की तुम ताबीर हो हाथों में है लिखी मेरे तुम वो हसीं तकदीर हो वादा किया